हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 7 दिसंबर 2022। नाउ यहाँ पे वी विल बी फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्शंस बाय वर्ल्ड बैंक, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया समिट। रिसेंटली अभी उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के समिट हुई है, so we will be discussing that also. Along with that, we will discuss UN Wang 5, which is a surveillance ship which has again entered the Indian Ocean. And then we will be discussing the Saudi Arabia and China relationship, the summit level relationship between the two countries and what are its implications. So we will start with the newspaper. So yahan pe jo hum news jo follow karenge, which will be important for CLAT, ALAT and other one day entrance exams. So let's start with the news. तो देखिए, जो पहला न्यूज है वो है दैट वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9%। सो फ्रेंड्स, कभी भी न्यूज़पेपर में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई, इनके जो भी इंडियाज से रिलेटेड जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम आज यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक इट इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेकेंडली कि वर्ल्ड बैंक है, इट इज़ हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज डेविड मेलपास। ओके, सो चीफ इकोनॉमिस्ट जो वर्ल्ड बैंक के हैं वो हैं इंदरमित गिल, हु इज द सेकेंड इंडियन टू हेल्ड दैट पोजीशन आफ्टर कौशिक बसु। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, न्यूज़ की तरफ। सो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि दैट इट रेजेस इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9%। सो ग्रोथ प्रोजेक्शन मतलब जीडीपी प्रोजेक्शन, कि भाई इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा, तो वो होगा 6.9%। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने पहले इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट था उसको लगातार डाउनग्रेड किया था 3 बार। सो आफ्टर 3 डाउनग्रेड्स इन इट्स 2022-23 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स, बैंक वर्ल्ड बैंक ने इसको रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करने का कोई कारण तो होगा, तो जो कारण है दैट इज Q2 ग्रोथ। वॉट इज Q2? सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर का मतलब हो गया आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला क्वार्टर, इसको हम सेकेंड क्वार्टर कहते हैं। तो इस 3 मंथ में जो इंडिया का जो ग्रोथ था वो काफ़ी स्ट्रांग था। ओके, देर वॉज स्ट्रांग डिमांड ऑल्सो एंड देर इज स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.5% रखा था, उसको अब अपग्रेड करके 6.9% कर दिया है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ रिकवरी इन जुलाई टू सेप्टेम्बर क्वार्टर ऑफ 2022-23। Now the main reason for this revival is it is driven by strong private consumption and investment and government's focus on bolstering capital expenditure which supported domestic demand in the first half of 2022-23. So these are some of the important thing. Ab yahan pe jo report hai, jo World Bank ne jo report nikali hai jisme World Bank ne ye sab jo pura bataya hai India ke bare mein, us report ka naam hai India Development Report टाइटल नेविगेटिंग द स्टॉर्म। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहता है कि इंडियाज इकोनॉमी हैज़ बीन रिमार्केबली रेजिलियंट टू द डिटेरियरेटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैव प्लेस्ड इट इन अ गुड स्टेट कंपेयर टू अदर एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। ओके, देन इफ यू विल जस्ट सी दिस बॉक्स, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट फर्स्ट इज दैट इंडियाज ग्रोथ इज अफेक्टेड बाई स्लोअर ग्रोथ इन मेजर इकोनॉमीज बट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया इज रिलेटिवली लेस कम्पेयर टू अदर एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। ये तो पहला चीज़ है। सेकेंड, द रिपोर्ट सेज कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिशिट है वो ज़्यादा होने वाला है बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसिस। गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो मॉडरेट होगा बिकॉज द डिमांड फॉर गुड्स इज लो इन द एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि वहाँ पर भी स्लो डाउन चल रहा है। बट इट विल बी ऑफसेट बाई सर्विस एक्सपोर्ट। उसके बाद द फॉरेक्स रिजर्व जो है इट विल बी डाउन बाई 10%, बट विल प्रोवाइड एडिक्वेट बफर अगेंस्ट ग्लोबल स्पिल ओवर्स। ग्लोबल स्पिल ओवर्स का यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन में जो स्लो डाउन चल रहा है, यूके में स्लो डाउन चल रहा है, यूएस में स्लो डाउन चल रहा है, चाइना का भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी बिकॉज दे आर फॉलोइंग जीरो कोविड पॉलिसी। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्पिल ओवर। उसके बाद अगर बात करें कि 2023-24 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का क्या हाल होने वाला है, सो इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट स्लाइटली स्लोअर, दैट इज 6.6% इन 2023-24 बिकॉज ऑफ चैलेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड फॉल्टरिंग ग्लोबल ग्रोथ। दिस टू इंपॉर्टेंट रीजन। अगर अब हम देखें कि इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट होता है,
यहाँ पे जैसे रिपोर्ट्स कहता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में 1 परसेंटेज पॉइंट का डीएक्सलरेशन होता है ग्रोथ में, ठीक है ना, डिक्लाइन होता है, तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो 0.4% डिक्लाइन होता है, ठीक है ना। बट बाकी कंट्रीज के लिए कितना हो जाता है, 1.5 टाइम्स, ठीक है ना। बाकी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के लिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स 1% नीचे गया तो वहाँ पे 1.5 टाइम्स इम्पैक्ट पड़ता है, बट इंडिया के ऊपर सिर्फ 0.4% का ही फर्क पड़ता है। द नेक्स्ट थिंग विच इट सेज इज दैट अबाउट दी जॉब्स, तो ये यहाँ पे जो जॉब जो ऑगस्टे तानो कुआमे हैं, हु इज द वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर इन इंडिया, ही सेज की जॉब्स आर गेटिंग क्रिएटेड बट दे आर गेटिंग क्रिएटेड इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड वी हैव टू सी दैट हाउ टू क्रिएट मोर जॉब, हाउ टू फॉर्मलाइज दैम। तो वो दो सेक्टर की बात करते हैं, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स इन इंडिया। तो दिस इज द रिपोर्ट। सेकेंड थिंग जो इस पेज पे नहीं लिखा है, पेज नंबर 10 पे लिखा होगा, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, वो कहते हैं कि आरबीआई के पास भी एक चैलेंज है, ठीक है ना। एक चैलेंज जो है आरबीआई के सामने वो एक ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है, मतलब जो पॉलिसी रेट्स है या रेपो रेट जो है उसको बढ़ा रही है। तो जब रेपो रेट बढ़ता है तो उससे जो बोरोइंग कॉस्ट है इट गेट्स इंक्रीज, सो द बोरोइंग कॉस्ट इज गेटिंग इंक्रीज। सो इफ द बोरोइंग कॉस्ट इज गेटिंग इंक्रीज तो इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। भाई कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है, अगर उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको थोड़ा डिले कर सकता है, ओके। एंड इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रिएशन ऑफ जॉब। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज विच हैज बीन हाईलाइटेड ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट इज करबिन टेरर फाइनेंसिंग इन अफगानिस्तान होल्ड्स द की टू रीजनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स वॉज हेल्ड इन दिल्ली। ध्यान से पढ़ना क्योंकि मैं इसके बाद एक और चीज़ बताऊंगा तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक पहली मीटिंग किसकी थी, ये पहली मीटिंग थी इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग की, पर इसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल दे आर पार्टिसिपेटिंग, बट इट इज द फर्स्ट सच मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो कौन है, अजीत डोवल। यहाँ पे उज्बेकिस्तान के काउंटर पार्ट है विक्टर मैकमुदोव, ओके। तो इन लोगों की मीटिंग थी एंड दे हैव सेड टू थिंग्स दैट कर्बिंग टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन अफगानिस्तान, ठीक है, एंड यूज ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी रूल्स वाया ईरान दे आर की टू रीजनल सिक्योरिटी, ओके। सो दिस हैज बीन हाईलाइटेड। तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं दे आर शिफ्टिंग देयर बेस फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, ओके, आफ्टर द टेक ओवर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। सो अगेन अफगानिस्तान इज इन हाईलाइट। तो वहाँ पे टेररिज्म को कर्ब करने के लिए जरूरी है कि टेरर फाइनेंसिंग को भी ध्यान दिया जाए, उसको भी कम किया जाए, उसके साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए इन रीजन में वेयर ईरान शुड बी इन द सेंटर। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिया बात कर रहा है छाबार पोर्ट का, कि छाबार पोर्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ओके। अब ये जो मीटिंग है जो हुई है दिल्ली में, तो दिस इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट विच वॉज हेल्ड ऑन जनवरी 27, 2022। तो द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट, ओके, इट वॉज हेल्ड ऑन 27 जनवरी 2022, ठीक है ना, मतलब लगभग एक साल हो गया, हम दिसंबर में हैं और इस जनवरी में हुआ था, 2022 के जनवरी में हुआ था। एंड इट वॉज हेल्ड टू सेलिब्रेट द 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री, वेयर इंडिया अलॉन्ग विथ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज विच आर तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, काजकस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन दैट समिट। इन दैट समिट इट वॉज डिसाइडेड दैट आफ्टर एवरी 2 ईयर्स इंडिया सेंट्रल एशिया समिट विल बी हेल्ड एंड इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटेरिएट इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। उसके बाद जो फोकस है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट का, दैट विल वी ऑल नो, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, ये सारे फोकस हैं इंडिया सेंट्रल एशिया समिट के, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फोकस ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट।
अब हम चलते हैं आईआरए पे, यूरोप्स कंसर्न्स अबाउट द यूएस आईआरए। सो फ्रेंड्स, एक एक्ट है, यूएस का एक्ट है, बट इट इज इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन यूरोप। सो दैट इज इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तो अगर हम देखेंगे कि इट इज अ स्केल डाउन वर्जन, तो ये जो एक्ट है इट वॉज साइंड इन टू लॉ ऑन ऑगस्ट 16, और जो ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, इट इज $430 बिलियन पैकेज ऑफ फेडरल स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स ब्रेक्स, क्रेडिट्स एंड लीवेज फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, रेड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट एंड मेकिंग लार्ज कॉरपोरेशन पे देयर फेयर शेयर इन द टैक्स। ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, इट इज अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ बिल्ड बैक बेटर प्लान ऑफ मिस्टर बिडेन, विच कुड नॉट गेट द सीनेट अप्रूवल इन 2021। ओके, अब उसके बाद अगर आप देखेंगे इस पैकेज में, सो देर इज $370 बिलियन फॉर क्लाइमेट फोकस्ड फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसका एम है टू रिड्यूस द एमिशन बाय 40% बिलो 2005 लेवल बाय 2030। तो ये हम कैसे करेंगे? सो ये जो एक्ट है, इट फोकसेस ऑन ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी बाय इंसेंटिवाइजिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स। That is the first objective. Second objective is to reduce reliance on China for materials and components for the clean energy industry. तो यहाँ पे जो focus है वो है electric vehicles पे, कि one of the significant provision is of promoting the use of electric vehicles and its manufacturing, okay, in United States itself. ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे tax breaks है. For example, जो भी पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो असेंबल होंगे नॉर्थ अमेरिका में, दे आर एलिजिबल फॉर $75,000 टैक्स क्रेडिट इंसेंटिव। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर ये भी है कि दैट एक्ट ऑफर्स $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट टू बिल्ड क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन US, देन $2 बिलियन इन ग्रांट्स फॉर रिफर्बिशिंग एग्जिस्टिंग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू मेक जीरो एमिशन व्हीकल्स, and $20 billion in loans to build new EV manufacturing facilities across the country. अब यूरोप का यहाँ पे कंसर्न क्या है? तो यूरोप का अपना एक प्लान है, दैट इज कॉल्ड एज फिट फॉर 55. सो वॉट इज दिस फिट फॉर 55 कैंपेन और प्लान ऑफ यूरोपियन यूनियन? इट इज टू कट CO2 emission from cars by 55% and vans by 50% by 2030 and all emissions from cars by 2035. इसका मतलब ये कैसे करेंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन का प्लान चल रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, ये कहीं ना कहीं उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है जो US में लोकेट हो। तो ऐसा हो सकता है कि यूरोप की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपना बेस जो है वो यूरोप से US में शिफ्ट कर जाए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि एक स्वेडिश बैटरी मेकर कंपनी है नॉर्थवोल्ट, विच वॉज सेट टू एस्टेब्लिश लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री इन जर्मनी, ठीक है ना। बट IRA के बाद द कंपनी के जो CEO हैं पीटर कार्लसन, ही हैज सेड दैट इट कुड गेट अप टू 800 मिलियन यूरोज इन US स्टेट सब्सिडीज, विच वॉज नियरली 4 times व्हाट द जर्मन गवर्नमेंट वॉज ऑफरिंग। इसका मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो यूरोप में एस्टेब्लिश होने वाले, अगर उन्होंने US में इसको एस्टेब्लिश किया तो उनको बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे। सो कंपनीज दे लुक फॉर प्रॉफिट, सो दे कैन शिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग बेस फ्रॉम यूरोप टू USA। दैट इज वन ऑफ द कंसर्न। तो इसके ये कंसर्न जो है वो US को बताया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडन ने कहा कि दैट देर आर रूम फॉर ट्विक्स इन IRA टू मेक इट ईजियर फॉर यूरोपियन कंट्रीज टू पार्टिसिपेट, कि थोड़े से रूल्स में चेंजेस कर सकते हैं कि ताकि यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर दें। बट एट लास्ट US विल ट्राई टू प्रमोट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग एंड इट वुड कंटिन्यू टू क्रिएट जॉब्स फॉर इट्स पीपल। द नेक्स्ट इज ChatGPT। ChatGPT इट इज द लेटेस्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल। सो November 30 को एक ऐप लॉन्च हुआ, दैट इज कॉल्ड एज टूल लॉन्च हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ChatGPT, विच वॉज रिलीज ऑन इंटरनेट। ओके, अब यहाँ पे इसकी खास बात क्या है? तो देखिए, इसकी खास बात यह है कि दैट दिस टूल नोज एवरीथिंग अंडर द सन, इट कुड आंसर क्वेश्चंस एंड इट कैन कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ChatGPT है, इट इंटरैक्ट्स विद ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज एंड इज इम्प्रेसिव बिकॉज असाइड फ्रॉम आंसरिंग जनरल क्वेरीज इट ऑल्सो हैज मैनी अदर फंक्शन। अब ChatGPT को बनाया किसने है? सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाई OpenAI, which is a research institute and company that focuses on developing artificial intelligence technology
इन रेस्पॉन्सिबल एंड सेफ वे। इसको 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय एलॉन मस्क, सैम एल्टमैन एंड ग्रेग ब्रॉकमैन। ओके, अब जैसे चैट जीपीटी के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सी यू कैन आस्क इट टू राइट अ प्रोग्राम और इवन अ सिंपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इट कैन ऑल्सो डू क्रिएटिव टास्क सच एज राइटिंग अ स्टोरी। इट कैन एक्सप्लेन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर एनी क्वेश्चन दैट नीड्स फैक्चुअल आंसर। ओके, सो ये जो है ये चैट बॉट के फॉर्मेट पे नहीं एस्टेब्लिश है, इट इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज मॉडल। तो अब ये लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, जो लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, कि सॉफ्टवेयर होता है दैट प्रिंट्स आउट अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एज आउटपुट दैट आर रिलेटेड टू सम वर्ड्स गिवन एज इनपुट। ठीक है ना, तो जैसे आप मतलब समझिए यहाँ पे, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू से शूट विच अपियर्स विद गन, ठीक है ना, तो जो न्यूरल नेटवर्क है ओके वो समझ जाएगा कि शूट और गन एक साथ आया है, तो या तो बुलेट की बात हो रही होगी, या तो अगला वर्ड बुलेट होगा, या तो अगला वर्ड विक्टिम होगा। पर अगर यही शूट अगर कैमरा के साथ आएगा तो अगला वर्ड क्या होगा, बुलेट या विक्टिम नहीं होगा, तब क्या होगा, पिक्चर और पिक्सल होगा। ओके, द नेक्स्ट इज आर्म फोर्सेज फ्लैग डे। सो सिंस 1949 वी आर सेलिब्रेटिंग डिसम्बर 7 एज आर्म फोर्सेज फ्लैग डे। ठीक है, अर्लियर अ फंड वॉज ऑल्सो, एक फंड भी इसके अंदर बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज आर्म फोर्सेज फ्लैग डे फंड। ठीक है, तो ये जो आर्म फोर्सेज फ्लैग डे है ये तीन चीज़ों पे फोकस करता है। ठीक है ना, वो तीन चीज़ें हैं, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन पे फोकस करता है। तो रिहैबिलिटेशन क्या है यहाँ पे, लाइक दोज हु हैव सफर्ड इंजरीज इन बैटल फील्ड, उनका रिहैबिलिटेशन। वेलफेयर, वेलफेयर किसका, सर्विंग आर्म फोर्सेस पर्सनल और आर्मी और उनके फैमिली का। ठीक है ना, वेलफेयर हो गया, सो रिहैबिलिटेशन देन वेलफेयर। उसके बाद इट ऑल्सो फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक, तो जो सर्विस से रिटायर हो गए हैं उनको वेलफेयर करना, उनको फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उनके लिए, कि ताकि वो अपनी लाइवलीहुड कंटिन्यू कर सके। सो दीज आर द थ्री मेन फोकस ऑफ आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। द नेक्स्ट इज युआन वैंग फाइव। सो युआन वैंग फाइव इट इज अ सर्वेलेंस वेसल विच हैज अगेन री एंटर्ड द इंडियन ओशियन। यहाँ पे दो डिस्टर्बिंग चीजें हैं, दो डिस्टर्बिंग चीजें क्या हैं, कि युआन वैंग फाइव तभी री एंटर हुआ है इंडियन ओशियन में जब इंडिया को एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करना था ऑन डिसम्बर 15 और 16। ये पहले भी हो चुका है, यूएन वैंग 6 इट एंटर्ड द इंडियन ओशन रीजन कोइंसाइडिंग विद द प्लान्ड इंडियन मिसाइल लॉन्च, बट द लॉन्च वॉज देन डिफर्ड। तो ये जो यूएन वैंग 5 है ये पहले हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक जब किया तो इंडिया और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा ये डिप्लोमेटिक क्लैश हुआ इसको लेके। ठीक है, ये जो शिप है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इट जनरेट्स अ डेटा विच हैज अ ड्यूअल नेचर विच इंक्लूड्स मिलिट्री ओके डेटा ऑल्सो, दैट इट कैन कलेक्ट मिलिट्री डेटा ऑल्सो, कि इंडिया या बाकी कंट्रीज क्या मिलिट्री टेस्टिंग्स कर रही हैं, कितने मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रही हैं, तो इट इज़ अ ट्रैकर ऑल्सो। फाइन, तो यहाँ पे ये है कि इंडिया ने पहले इशू किया नोटम, दैट इज नोटिस टू एयरमैन फॉर अ नो फ्लाई जोन ओवर बे ऑफ बंगाल। तो जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करना होता है तो नोटम जो है वो दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आप फ्लाई मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मिसाइल गिरे। तो ये जो नोटम था इट वॉज गिवन फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 5400 किलोमीटर। इट सेज दैट कि अगर रेंज की हम बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाली थी, बट अब हो सकता है कि इंडिया को ये पीछे लेना पड़े क्योंकि चाइनीज मिसाइल ट्रैकर शिप इज देयर इन द इंडियन ओशन रीजन विच एंटर थ्रू सुंडा स्ट्रेट। अब जो हमारे नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, ही हैज सेड दैट देर आर लॉट ऑफ चाइनीज शिप्स इन द इंडियन ओशन रीजन। देर आर 4 to 6 नेवी शिप्स भी हैं, रिसर्च वेसल्स भी हैं, फिशिंग वेसल्स भी हैं, और 60 ऐसे शिप्स हैं विच रिप्रेजेंट्स एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस। ओके, नाउ इफ यू विल जस्ट सी दैट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देर हैड बीन अ स्टेडी राइज इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज रिसर्च वेसल्स इन द इंडियन ओशन रीजन and the general area of deployment observed was around 90 degree east ridge and southwestern indian ridge. Now from when the indian chinese presence started increasing in the indian ocean region, so see the chinese presence in the indian ocean began in 2008
अंडर द गार्ब ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन इन गल्फ ऑफ एडन, और उसके बाद से जो चाइनीज प्रेजेंस है वो स्टार्टेड इंक्रीजिंग, यहाँ तक कि चाइना ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी कभी कभी इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया है। इसके साथ साथ चाइना हैज सेट अप मैनी मिलिट्री बेस इन जिबौती एंड डुअल यूज पोर्ट्स इन द इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। द नेक्स्ट इज सेंट्रल नॉर्थ टू गुजरात बिल अलाउइंग पुलिस टू एक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग कोर्ट केम अ मंथ बिफोर पोर्ट। तो यहाँ पे है कि एक बिल है दैट इज कॉल्ड एज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर गुजरात अमेंडमेंट बिल 2021। दिस बिल वॉज पास्ड बाई स्टेट असेंबली इन मार्च 2021 एंड इट वॉज सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एग्जामिन इफ इट वॉज रिपग्नेंट विद एनी सेंट्रल लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। नाउ इट हैज बीन गिवन क्लियरेंस बाई द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब ये बिल में क्या है जो है दैट इज द बिल सेज दैट इट एम्पावर्स द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर केसेस विदाउट इन्फॉर्मिंग द लोकल कोर्ट इन राइटिंग अगेंस्ट द पर्सन्स हु प्रोटेस्ट एंड एजिटेट वायलेटिंग सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। व्हाट इज दिस सेक्शन 144? सो सेक्शन 144 में यही होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे आर एम्पावर्ड टू इशू प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, और ये ऑर्डर के अंदर एनी पर्सन कैन बी डायरेक्टेड टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टन एक्ट और टू टेक सर्टन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ऑन वेरियस ओकेशंस। इसके अंदर है कि जब इफ समबडी वायलेट सेक्शन 144 देन द लीगल एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स आर टेकन अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज 6 मंथ इंप्रिजनमेंट। चलो अब यहाँ पे देखिए एक वन लाइनर है, कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडेंसी है, केस पेंडेंसी, सो इट इज 5 करोड़। ओके सो 5 करोड़। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू व्हाइल ही वाज इनॉग्रेटिंग द एफ ब्लॉक इन दिल्ली हाई कोर्ट ही सेड दैट टोटल पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस अक्रॉस द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स 5 करोड़, ठीक है ना, एंड द रियल चैलेंज इज इन लोअर कोर्ट्स। द नेक्स्ट इज यहाँ पे अगेन वन लाइनर दैट इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ओके दैट इज द 18th मीटिंग ऑफ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट वॉज हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 5th to 6th। यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया पीयूष गोयल ने और वहाँ से बांग्लादेश से ओके जो थे दे वर रिप्रेजेंटेड बाई ए के मुकलेश्वर रहमान हु इज द एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बांग्लादेश। नाउ ऑब्वियसली बांग्लादेश एंड इंडिया, तो बांग्लादेश अगर आप सारे नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा फिजिकल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दैट रिलेशनशिप मैनेजिंग द बॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके टू डील विद द बॉर्डर रिलेटेड चैलेंजेस। द नेक्स्ट इज फॉर्मर मिनिस्टर एंड इकोनॉमिस्ट वाई के अलग पासिस अवे एट 83। सो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट योगिंदर के अलग ओके हैज पास्ड अवे। ओके सो अगर हम देखेंगे देन ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद फ्रॉम 2006 to 2012 succeeding Varghese Kurian. Then he was also the Chancellor of Central University of Gujarat, Gandhinagar and Vice Chairman of Sardar Patel Institute of Economic and Social Research. Then he was also appointed as Union Minister, okay, and he headed the Ministry of Power, Science and Technology and Planning and Program Implementation. Then he was the Vice Chancellor of JNU between 1992 and 1996. He was also the chairman of the Agricultural Prices Commission during 1982-1983. जो एम एस पी जो होता है वो कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल प्राइसिस जो है वो इसको फिक्स करता है। देन ही वॉज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ नर्मदा प्लानिंग ग्रुप। अगेन टेक द वन लाइनर दैट इंडोनेशिया अप्रूव बैन ऑन सेक्स आउटसाइड मैरिज। सो इंडोनेशिया के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है लॉ दैट वुड आउटलॉ सेक्स आउटसाइड मैरिज। Second is China Xi set to visit Saudi Arabia for milestone summit. So Chinese president is going to visit Saudi Arabia, which will be a milestone first ever China Arab summit to boost relations and deepen the economic ties. Now one important that China in 2022 replaced the European Union as the GCC's Gulf Cooperation Council's largest trading partner. The trade volume is $161 billion. Okay, then China is also involved in massive infrastructure projects in the region, including Luzail Stadium that is hosting World Cup matches in Qatar and high-speed rail lines in Saudi Arabia, okay, as well as being a major oil importer from Saudi Arabia.
अब रूपी का नया वो देख लीजिए, स्ट्रेंथनिंग यूएस डॉलर ड्रोव द रूपी डाउन ऑन ट्यूजडे बाय 65 पैसे। रूपी हैज टच अ न्यू लो, दैट इज 82.50। नाउ हाफ ऑफ रशियन रिजाल क्रूड सेट टू हैव कम टू इंडिया इन नवंबर। सो वी ऑल नो दैट रशिया से इंडिया का जो इम्पोर्ट है ऑयल का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इट हैज रिप्लेस्ड ऑल अदर कंट्रीज टू बिकम द लार्जेस्ट इम्पोर्टर। सो नाउ रशिया हैज एक्सपोर्टेड टू इंडिया एट लीस्ट 3.7 मिलियन टन ऑफ सी बोर्न उराल सप्लाईज वाया द पोर्ट्स। ओके, और ये जो है 50% ऑफ दैट उराल ऑयल्स दे हैव कम टू इंडिया। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।